Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS CTET Paper 1 Travel. So before we start, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. In the previous video, we had done about some important personalities, okay, who have जो साधारण सी जिंदगी से उठकर अपने नाम कमा के अपनी नाम उन्होंने रोशन किया था, वैसे ही उसी चैप्टर को हम लोग आगे फिर से आज रिपीट कर रहे हैं. एंड इसमें हम लोग आज देखेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी लेडीज है जिन्होंने अपना नाम यहाँ पे रोशन किया है, ठीक है. अपने अपना नाम कमाने में इन्होंने कितनी मेहनत की है और कैसे कैसे किस किस फील्ड में इन्होंने ये इन्होंने अपने अपने नाम रखा है, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुकिंग फॉर इज लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान, ठीक है. विल फर्स्ट यहाँ पे आज हमारे चैप्टर के लिए फर्स्ट कौन है, हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान. ये एक डॉक्टर है इंडियन नेवी में, ठीक है. शी इज अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी. इंडियन नेवी के अंदर जनरली पहले लेडीज लोगों को जो वुमेन होती है या फीमेल्स होती है उनको अलाउ नहीं था, लेकिन फिर काफ़ी टाइम पहले ये अलाउ कर दिया गया था और नेवी में लेडीज़ को या फीमेल को भर्ती लेना चालू किए थे. तो ये शी इज़ द फर्स्ट वुमन, ओके, हु इज़ द डॉक्टर इन इंडियन नेवी. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमन हु हैज़ वर्कड एज अ नेवल शिप इन अ नेवल शिप एंड इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड अ परेड. This is considered to be a very big honor in the armed forces. अब ये क्या है ना, ये फर्स्ट वुमन है जिन्होंने परेड को भी लीड किया था, ठीक है. बिकॉज परेड को लीड करना बहुत मुश्किल होता है. एक तो 36 कमांड्स आपको याद करने होते हैं और फुल वॉल्यूम में बड़ी सी आवाज़ में पूरे पीछे तक आवाज़ आनी चाहिए. सारे आपके जितने फॉलोअर्स आपके पीछे उन सबको सुनाई देना चाहिए और पूरे जो स्पेक्टेटर्स है उन सबको सुनाई देनी पड़ती है आवाज़. और 36 कमांड याद होना चाहिए. तो परेड करना एक ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, ठीक है. एक आर्म फोर्सेस में परेड को लीड करना बहुत बड़ी बात होती है और ये इन्होंने वहीदा प्रिज्म खान ने ये एक परेड को लीड किया था इनके लिए भी और सारी जो फीमेल कम्युनिटी हमारे उनके लिए सबके लिए ये बहुत गर्व की बात है, ठीक है. सो she was she belonged to Rajouri district in Jammu and Kashmir ki ek Rajouri district is chote se gaon mein belong karti hai ye jahan pe inko school jane ke liye bhi 10th tak padhai karne ke liye bahut mushkilon ka samna karna pada lekin fir unhone wo sare mushkilon ko paar karte hue jaise bhi karke apna MBBS unhone degree hasil kiya. MBBS degree hasil karne ke baad wo नेवी के जब देखा इन्होंने कि नेवी पे पोस्ट खाली है और वो फीमेल्स को अलॉट कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे अपना जाना था अपना नाम कमाना था, तो उन्होंने वहाँ पे अपना अलॉट करवाया, नाम एनरोल करवाया और फिर वो वहाँ पे सिलेक्ट हो गई और बन गई सबसे पहली इंडियन नेवी की लेडी डॉक्टर, ठीक है. जो शिप में कई महीनों तक, तीन चार महीनों तक पानी में ही रहती हैं, शिप में रहती हैं वो, और फिर कई महीनों तक ये वहीं पे अपना काम करती है. हॉस्पिटल्स नहीं होता क्या हालांकि शिप के अंदर, लेकिन एक छोटा सा रूम में इनको सारे इक्विपमेंट्स, ज़्यादातर जो भी चाहिए होता है इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराया जाता है. मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हैं इनके पास, फर्स्ट एड होता है ना, और एक डॉक्टर और दो या तीन असिस्टेंट्स होते हैं इनके साथ, इनके टीम में, ठीक है. सो इनका काम होता है कि जितने भी जो ऑन बोर्ड है शिप के अंदर जो भी लोग हैं, जितने भी सेलर्स हैं या नेवल ऑफिसर्स हैं, उनका मेडिकल ध्यान रखना है कि उनको ये नहीं कि सिर्फ बीमार पड़ जाए तो ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है. उनको हर चीज़ का वहाँ पे ध्यान देना होता है कि वहाँ पे हाइजीनिक वातावरण है या नहीं, खाना ठीक बन रहा है नहीं बन रहा, वो सब चीज़ इनको ध्यान रखना होता है. इनके ड्यूटी में ये सब चीज़ भी आती है, ठीक है. सो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. सी इज़ द फर्स्ट इंडियन नेवी लेडी डॉक्टर इन इंडियन नेवी, ठीक है, और वो फर्स्ट वुमन है जिन्होंने परेड को लीड किया है, ठीक है. दिस इज अबाउट लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान. नेक्स्ट इज कुमारी बिच्छिंद्री पाल. ये तो हम सब जानते हैं कि ये तो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ाई की थी वो है ना फर्स्ट वुमन. सो शी वॉज बॉर्न ऑन मे 24, 1954 इन नकुरी
उत्तराखंड इन जो रूरल वर्किंग क्लास फैमिली, एक बहुत ही निम्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड का एक नकोरी जगह पे, और मतलब बहुत ही निम्न परिवार था। तो इनका शौक था बचपन से ही कि कुछ करके दिखाएं, तो इन्होंने माउंटेनियरिंग को अपना जरिया बनाया अपना नाम कमाने के लिए। ठीक है, सो शी वॉज अ माउंटेनियर एंड डिड हर ट्रेनिंग फ्रॉम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इन्होंने माउंटेन्स को चढ़ने का ट्रेनिंग कहाँ से लिया, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपना ट्रेनिंग किया। और उनके गाइड कौन थे, उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, सो कुमारी बिचिंद्र पाल ने अपने माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से किया था, और उनके गाइड कौन थे, उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, एंड शी वॉज फ्रॉम उत्तराखंड, ओके, शी बिलोंग टू उत्तराखंड। ऑन 23 मई 1984 she conquered Mount Everest and became the first Indian woman and fifth woman in the world to have conquered Mount Everest. So 23 मई 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की, फतेह की, वहां पे उन्हें अपना तिरंगा लहराया, और बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, फर्स्ट इंडियन वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। कब, कौन से ईयर में, 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी और बन गई थी पहली इंडियन वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, एंड फिफ्थ, पांचवी वुमन पूरे विश्व में जिन जो माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर चुके हैं उनमें से फिफ्थ है कुमारी बिचिंद्र पाल, और फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट वुमन एंड वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन से नंबर में आती है, फिफ्थ नंबर में आती है। कौन है वो, उनका नाम है कुमारी बिचिंद्र पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था। ठीक है, दिस इज अबाउट शी इज कुमारी बिचिंद्र पाल, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकती हैं, यही है जो फर्स्ट इंडियन वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। ओके, उनके बाद बहुत सारी आई हैं, फर्स्ट यही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गिजू भाई बधाकर। अब इनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे समाज के अंदर वो देखते हैं। हिज फुल नेम इज गिरिजा शंकर भगवान जी बधाकर, बाधेकर। ठीक है, गिजूभाई बाधेकर वॉज बॉर्न इन 15 नवंबर 1855। ठीक है, एंड वॉज एन एजुकेटर हु हेल्प्ड इनटू इंट्रोड्यूस मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड्स इन इंडिया। इंडिया में जो मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड है, जो जूनियर लेवल के पढ़ाई के सिस्टम है, उनका इंट्रोडक्शन किन्होंने किया था, उनका इंट्रोडक्शन गिजूभाई बाधेकर ने किया था। ठीक है, एंड ही रिफर्ड टू एज मुछाली मा, मदर विथ विस्कर्स। इनको इतने बड़े बड़े मूछ है ना, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया है, मुछाली मा, दैट इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है मदर विथ विस्कर्स। ठीक है, बाधेकर वॉज अ हाई कोर्ट लॉयर, वो हाई कोर्ट में एक लॉयर थे, वो वकील थे। However, following the birth of his son in 1923, developed an interest in childhood development and education. उनका जब बेटा उनका जब गिजूभाई का बेटा पैदा हुआ 1923 में, तब उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। ठीक है, बिकॉज अपने बेटे को वो खुद एजुकेट करना चाहते थे, तो उस एजुकेशन के फील्ड में और चाइल्डहुड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ करना चाहते थे, तब जाके इनका इंटरेस्ट जगा है एक एजुकेटर बनने के लिए। ठीक है, इन 1920 बाधेकर फाउंडेड द बाल मंदिर और द प्री प्राइमरी स्कूल। उन्होंने 1920 में बाल मंदिर का निर्माण किया था। बाल मंदिर का मतलब होता है प्री प्राइमरी स्कूल, जो छोटे बच्चों के लिए स्कूल होता है उसे कहते हैं हम लोग बाल मंदिर। आजकल के डेट में जो मॉन्टेसरी क्लासेस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उसी का नाम है ये बाल मंदिर। ठीक है, बाधेकर पब्लिश्ड नंबर ऑफ बुक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में उनका बहुत सारा बुक्स हैं, हम इनके बुक्स, कई बुक्स हमारे करिकुलम्स में भी हैं। ठीक है, तो हम बाधेकर को किस तरीके से जानते हैं, बाधेकर को हम लोग जानते हैं, गिजूभाई बाधेकर इज ऑल्सो नोन एज द एजुकेटर हु हेल्प्ड इंट्रोड्यूस मॉन्टेसरी एजुकेशन इन इंडिया, हु हेल्प्ड इंट्रोड्यूस मॉन्टेसरी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, सो हिज नेम इज
गिजुभाई बधेकर, और उनका फुल नेम क्या है, उनका फुल नेम है गिरिजाशंकर भगवान जी बधेकर, ठीक है। हे बिलोंग्स टू कौन से सिटी में बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रोनाल्डो रॉस। रोनाल्डो रॉस वॉज बॉर्न इन अल्मोरा इंडिया एंड एजुकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। रोनाल्डो रॉस जो है वो, इनका जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन इनका एजुकेशन कहाँ हुआ, हायर एजुकेशन इनका ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। इन 1881 ही बिकेम अ मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर इन इंडिया। इंडिया के जो मिलिट्री फोर्सेस थे वहाँ पे ये मेडिकल ऑफिसर बने रोनाल्डो रॉस इन द ईयर 1881, ठीक है। एंड इट वॉज देयर दैट ही बिगैन स्टडिंग हाउ मलेरिया वॉज प्रोपेगेटेड। उस समय मलेरिया का बहुत मतलब वो होता था ना, मलेरिया से बहुत लोग मरते थे, एक महामारी था मलेरिया इस समय। तो इन्होंने क्या किया, इस समय जब वो मिलिट्री के अंदर मेडिकल ऑफिसर थे तभी इन्होंने उसी समय इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया मलेरिया के बारे में, ठीक है, कि मलेरिया कैसा होता है, इसको कैसे हम लोग कहाँ से निकलता है, कैसे क्या चीज़ से मलेरिया होता है और इसको हम लोग कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इस बारे में ये उसी समय से पढ़ाई करना चालू कर दिए थे, ठीक है। रोनाल्डो रॉस बिगैन वर्किंग इन वेस्ट अफ्रीका इन 1899 टू फाइंड अ वे टू कॉम्बैट मलेरिया। अब वेस्ट अफ्रीका में भी वो काम कर रहे थे 1899 में, तो वहाँ पर भी ये कई तरीके से मतलब ढूंढ रहे थे, कई रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे मलेरिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस पर जीत पा सकते हैं, कौन सी ऐसी दवाई होगी जिससे मलेरिया को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये स्टडी रोनाल्डो रॉस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो ही वॉज मल्टीफेकेड पर्सन इंटरेस्टेड इन पोएट्री एंड म्यूजिक एज वेल एज मैथमेटिक्स। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मेडिकल ऑफिसर थे, मेडिसिन से ही रिलेटेड थे, ऐसा नहीं था। ये बहुत बहु चरित्र वाले इंसान थे, जैसे उनको पोएट्री में भी इंटरेस्ट था, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज अ वेरी वेल मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स में भी उनको बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन ही मेडिसिन करते थे वो। ही यूज द लैटर टू क्रिएट मैथमेटिकल मॉड्यूल्स फॉर हाउ द डिजीज इज स्प्रेड, समथिंग दैट कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर एपिडेमोलॉजी। तो ये मैथमेटिक्स को यूज़ करते थे अपनी स्टडीज में, कि एक मॉड्यूल बनाने के लिए कि कैसे वो डिजीज स्प्रेड होता है और कैसे इस टूल से हम लोग इस एक ऐसा टूल बना सके जिससे ये डिजीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत मल्टीफेकेड मतलब बहु चरित्र वाले, बहु बहुत सारे गुणों वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ही रिसीव द नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए उनको नोबल प्राइज भी मिला गया है। मलेरिया एक फीमेल मॉस्किटो बाइट से, एनोफिलस से बाइट से होता है बोल के प्रूफ करने वाले जो फर्स्ट मेडिकल जो प्रूफ किया था, मेडिकली जिन्होंने प्रूफ किया था वो कौन थे, रोनाल्डो रॉस ही थे, ठीक है। सो मलेरिया, हमें यहाँ से पता चलता है कि मलेरिया की कैसे होता, मलेरिया फीमेल एनिफिलिस मस्कीटो बाइट के कारण से मलेरिया होता है बोल के इन्होंने ही प्रूफ किया था। एंड हु इज दिस मैन, दिस मैन्स नेम इज रोनाल्डो रॉस, जो अल्मोरा इंडिया में बॉर्न हुए थे मगर उनका एजुकेशन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। एंड ही इज फेमस फॉर हिज ये मलेरिया के लिए ही इनका फेमस है ये, कि मलेरिया कैसे होता है बोल के पता लगाने के लिए इनका नाम ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया एनसीईआरटी के आपके सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज लाउस ब्राइल। नाउ ये क्या है, लाउस ब्राइल खुद अंधे थे और इन्होंने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था, सो दैट जो देख नहीं सकते, जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, वो भी पढ़ लिख सके। सो ये हैं लॉस ब्रेल, जिन्होंने वो ब्रेल सिस्टम, ब्रेल जो ये एक एम्बोज टाइप का एक उठावा सा एक ब्रेल सिस्टम होता है, पढ़ाई करने का सिस्टम होता है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति लोग इसमें पढ़ते हैं अपने हाथों के सेंसर्स के थ्रू, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को ब्रेल सिस्टम बोलते हैं, जो लॉस ब्रेल ने ही इन्वेंट किया था, ठीक है।
लॉस ब्रेर वॉज अ फ्रेंच एजुकेटर एंड इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग टू फॉर यूज बाय द ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड. सो इन्होंने इन्वेंट किया था वो सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर, मतलब जो बहुत कमजोर हो, आंखों से बहुत कम दिखता हो, मतलब ना के बराबर दिखता हो या एकदम भी ना दिखता हो, उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो ब्रेल बोला जाता है उसे. और वो किसने बनाया? लॉस ब्रेल ने बनाया. वो एक फ्रेंच एजुकेटर थे. ठीक है. His system remains virtually unchanged to this day. आज तक उनका सिस्टम चेंज नहीं हुआ है. आज तक ब्रेल सिस्टम से ही दृष्टिहीन लोग अपने पढ़ाई करते हों और आज तक ये सिस्टम को कोई मॉडिफिकेशन नहीं मिला है. आज तक ये सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है जैसे इन्होंने इन्वेंट किया था. एंड इट इज नोन वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल. इनके ही नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है. ठीक है. ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग रेज्ड डॉट्स और पॉइंट्स. मतलब एक मोटा सा पेपर के ऊपर मतलब डॉट्स बनाया जाता है और डॉट्स या पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा उठा हुआ सा रहता है, उभरा हुआ सा रहता है. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन अ सिक्स पॉइंट्स, छह पॉइंट्स वाला एक मतलब एक एक छह पॉइंट्स वाला एक एक ये ग्रुप होता है, उस हिसाब से ये पढ़ाई किया जाता है. रोज ऑफ डॉट्स आर मेड विथ अपॉइंटेड टूल एंड रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द डॉट. तो कैसे पढ़ाई किया जाता है? रोज होता है इसमें, रोज में फिंगर्स को आप रन करते हो और दौड़ाते हो और उसको पढ़ा जाता है. ठीक है. तो इसको इस तरीके से आप ब्रेल में रीड कर सकते हो और इसी तरीके से ब्रेल में आप राइट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो. इट इज रिटन विद एम्बोस्ड पेपर. एक एम्बोस्ड पेपर मतलब उभरा हुआ जो पेपर होता है जिसके ऊपर आप फील कर सकते हो, जो डिजाइन आपके ऊपर से फील करके आपके सेंसेस में पता चल जाएगा अच्छा इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, उसे हम लोग एम्बोस्ड कहते हैं. ठीक है. तो एम्बोस्ड पेपर के ऊपर आप लिख सकते हो. ब्रेल यूजर्स कैन रीड कंप्यूटर स्क्रीन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद ब्रेल डिस्प्ले. ब्रेल डिस्प्ले के मदद से ही कंप्यूटर स्क्रीन को भी रीड कर सकते हैं दृष्टिहीन लोग और इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो ब्रेल डिस्प्ले नॉट ओनली पेपर में काम करता है बल्कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी ब्रेल डिस्प्ले का इन्वेंशन हो चुका है. ठीक है. सो ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉस ब्रेल एंड ये दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने का लिखने का एक इन्वेंशन है जो इन्होंने किया था बहुत सालों पहले और ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अल बिरूनी. ही वॉज एन ईरानियन स्कॉलर एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज. जो इस्लामिक गोल्डन एज था उस समय के ये ईरानियन स्कॉलर एक राइटर है. ठीक है. ही हैज़ बीन वेरियसली कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियोलॉजी, इंडोलॉजी, फादर ऑफ कंपेरेटिव रिलेशन, फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इनका ये सब इनको ये नाम दिया गया है अल बिरूनी को. ठीक है. बिकॉज ऑफ हिज स्कॉलरशिप, जो इन्होंने जो स्कॉलर्स स्कॉलरशिप या पॉलीमैथ का फील्ड में जो इन्होंने अपनी छाप छोड़ा है उसके ऊपर इन्हें ये उपाधि मिली गई है. ठीक है. ही अराइव्ड इन इंडिया इन द 11th सेंचुरी एज अ कैंप फॉलोअर ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी के कैंप फॉलोअर के तौर पे ये इंडिया में आए थे 11th सेंचुरी में. ही केम इंडिया टू लर्न संस्कृत. संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य से ये इंडिया आए थे टू एंड टू स्टडी इंडियन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, क्रोनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. तो ये ईरान से इंडिया में संस्कृत सीखने के लिए आए, इंडियन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आए, क्रोनोलॉजी सीखने के लिए आए, सोशियोलॉजी सीखने के लिए आए. इंडिया में इन्होंने ये सब चीज़ सीखा और इनको ये उपाधियाँ इंडिया में ही मिली हैं. ठीक है. His most famous work, India, was written as a direct result of the study he made in India. India में जो इन्होंने ये studies किए हैं, India के local people को देख के जो पढ़ाई किया है, यहाँ के culture को देख के, यहाँ के education system को देख के, यहाँ के जो rulers थे उनके शासन को देख के जो भी इन्होंने लिखा है वो इनका India बोल के एक famous work book है उसके अंदर छपा गया है. और ये सबसे famous है अल बिरूनी का सबसे famous work कौन सी है? इंडिया है, जो इन्होंने इंडिया के ऊपर डायरेक्टली यहीं पर रह के लिखा है. ठीक है. तारीख उल हिंद इज द सर्वे ऑफ इंडियन लाइफ बेस्ड
on his studies and observation in India between 1017 to 1030. इन सालों में जो इन्होंने इंडिया के अंदर रह के इंडिया के बारे में जो सीखा है, देखा है, पढ़ा है, वो सब चीज तारीख़े उल हिंद के अंदर इनका लिखा गया है। और ये सबसे बड़ी एक इंडियन सर्वे है, अलबरूनी के थ्रू दिया गया ये सर्वे है फॉर द ईयर 1017 to 1030, जो इतने सालों ये यहाँ इंडिया में रहे उस दौरान इन्होंने जो देखा, जो सीखा, वो सब इस बुक में दिया गया है। सो अलबरूनी के बारे में आपको क्या पता चलेगा, अलबरूनी एक ईरानियन स्कॉलर थे। वो 11th सेंचुरी में सुल्तान मोहम्मद गजनी के कैंप फॉलोअर की तरह रूप में आए थे इंडिया में। उनको संस्कृत सीखना था, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, क्रोनोलॉजी, सोशियोलॉजी सीखना था। इन्होंने इंडिया बोल के एक बुक लिखा था जो बहुत फेमस है। और इन्होंने जितना साल भी इंडिया में रहा, उतने साल के अंदर जो भी स्टडीज़ किए हैं, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर उन्होंने एक सर्वे किया और उसको लिखा है तारीख़-ए-उल-हिंद के अंदर। वो बहुत फेमस है इनका, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अलबरूनी, ये है इनका पिक्चर अलबरूनी का, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेजो मेंडल। ही वॉज बॉर्न इन 1822 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपको साइंस में भी पढ़ने को मिला होगा, आपने अपने स्कूल के बुक्स में भी पढ़ा होगा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इट्स रेजो मेंडल, है ना। मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बिटवीन 1856 to 1863 established many of the rules of hereditary, right? हमें सबको पता है जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था वो इन्होंने ही किया था। और इससे हम लोगों को क्या चीज़ का रूल पता चला, इससे हम लोगों को हेरिडिटरी का रूल पता चला है, ठीक है। दैट्स वाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, नाउ रिफर्ड टू एज द लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब क्या बोला जाता है उन्हें, अब वो रूल्स को क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ही पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर ही हेरिडिटरी का, जो आजकल हम लोग हेरिडिटरी के ऊपर इतना कुछ सीखने को देखने को मिलता है, सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेंडल वर्क्ड विद 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स, ठीक है। पी प्लांट्स के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया था जो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्या क्या है, प्लांट के हाइट, पॉड शेप एंड कलर, शीड शेप एंड कलर, एंड फ्लावर पोजिशन एंड कलर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने काम किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की थी, जिससे उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया, रूल्स बनाया हेरिडिटरी के लिए। दैट इज़ वाई द वर्क ही डिड ऑन दिस पी प्लांट, जो पी प्लांट के ऊपर, मटर के जो गाछ में ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसी एक्सपेरिमेंट के बतौर उन्हें क्या उपाधि मिली, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिला है, ठीक है। तो उन्होंने पी प्लांट में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने प्लांट का हाइट कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे प्लांट का हाइट बढ़ेगा, कितना तक बढ़ेगा, ये सब, पॉड का शेप क्या होगा, कलर क्या होगा, सीड जो अंदर है उसका शेप कलर क्या होगा, फ्लावर्स के पोजिशंस क्या होंगे, कलर क्या होंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सो रेजो मेंडल इज फेमस फॉर द पी प्लांट एक्सपेरिमेंट एंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इसीलिए इनको आपके एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड किया गया है, आपके सीटेट एग्जाम में भी इनके टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी मतलब हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनके ऊपर एक तो होता ही है, तो आपको एक मार्क्स स्कोर करने के लिए ये कॉन्टेंट तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विष्णु चिंचालकर। ये विष्णु चिंचालकर ऐसे एक पेंटर मैं बोलूँगी, या एक ऐसे कलाकार हैं जो पेंटिंग तो करते ही थे, साथ ही साथ वो जो घर में जो वेस्ट मटेरियल्स होता था ना, उनसे भी कुछ ना कुछ इतना बढ़िया बना के निकाल देते थे, मतलब इतना बढ़िया कुछ ना कुछ कलाकारी कर देते थे कि कुछ नया ही चीज़ बन जाता था। तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस थे, ठीक है। बॉर्न ऑन 5th September 1917 इन अलॉट विलेज इन मध्य प्रदेश वॉज एन अनयूजुअल आर्टिस्ट, मतलब एक अनयूजुअल आर्टिस्ट। पेंटिंग तो करते ही थे विष्णु चिंचालकर, ये फोटो है इनका, लेकिन साथ में ये बहुत अनयूजुअल आर्टिस्ट भी थे। क्यों अनयूजुअल थे, अ क्रिएटिव आर्टिस्ट मेड अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स यूजिंग लीव्स, ट्विग्स, कोकोनट शेल्स, सीड्स, मतलब कुछ भी चीज़ मिल जाए इनको
मतलब कुछ भी चीज से कुछ भी बना देते। अब जैसे आप इस पिक्चर में ही देख सकते हो, देखिए ये जो इन्होंने यहाँ पे ये नोज बनाया है, ये कुछ तार जैसे चीज से बना रखा है, और ये जो जो हेयर्स बना रखा है, ये कुछ घास जैसे से बना रखा है ना, एंड द आईज आर ऑफ सम सीड्स, देख रहे हो। तो कुछ भी यूज करके कुछ ना कुछ एक सुंदर सा बना देते थे। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको एक अनयूजुअल आर्टिस्ट भी बोला जाता था, ठीक है। हिज अर्ली ऑयल्स एंड कैनवासेस वॉन मेनी अवार्ड्स। पहले ही ऑयल पेंटिंग करते थे, बहुत सारे कैनवासेस करते थे, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। एम एस हुसैन जो है इनके ही कॉलेज में सीनियर थे इनसे, ठीक है, तो उन्होंने भी इनसे ही सीखा था, जो लाइन स्ट्रेट लाइन का स्ट्रोक से जो बनता था इनका पेंटिंग्स बनते थे, तो एम एस हुसैन ने भी इनसे इंस्पायर होके वो सब सीखा था, ठीक है। तो ऑयल पेंटिंग कैनवासेस में बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिला है, बट Soon he gave up studio to develop deep into nature's own art forms. इन्होंने क्या किया उसके बाद, मतलब पेंटिंग कर करके ना इन्होंने पेंटिंग को छोड़ दिया बीच में ही, फिर उन्होंने क्या किया, नेचर से ही लेना शुरू किया कि नेचर इतना हमें, प्रकृति हमें इतना सिखा रही है, तो उन्होंने नेचर से ही अपना आर्ट फॉर्म लेना सीखा। नेचर में ही कभी पत्तों को लेके कुछ बना दिया, तो कभी यू नो ब्रांचेस से, लीव से, ट्विग से, अच्छा कोकोनट शेल है जो नारियल का बाहर का हार्ड शेल होता है, उसमें ही कुछ बना दिया। ऐसे करके उन्होंने नेचर में ही कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म खोज के कुछ ना कुछ बढ़िया सा बना के इन्होंने अपना नाम ऐसे रोशन किया था। हिज जेन जीनियस ले इन सीइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एवरीडे थिंग, जो हमारे हर दिन का उपयोगी उपयोग का चीज होता है ना, उनमें भी ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढ ही लेते थे। इस तरीके के जीनियस थे ये, ठीक है। ही टर्न्ड अल्फाबेट्स इनटू एनिमल्स आर्टिफैक्ट्स, मेड लैंडस्केप्स ऑन लीव्स एंड पेटल्स, मतलब फ्लावर्स के जो पेटल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है ना, उनके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ बना देते थे, लीव्स भी कुछ ना कुछ बना देते थे। ऐसे थे ये, मतलब इतने अच्छे कलाकार थे ये, ठीक है। हिज लाइफ वॉज हिज मैसेज, इनके जो इनका जो लाइफ स्टाइल था ना, वो ही इनका मैसेज था। और वॉट वॉज हिज लाइफ स्टाइल लाइक, लिव सिंपली दैट अदर्स मे लिव, सिंपली लिव, मतलब आप सिंपल से रहो सो दैट आपको देखे दूसरे भी आराम से सिंपल से रहेंगे ना, तो यही था इनका लाइफ का मैसेज। एंड एक बुक था इनके ऊपर जो इन्होंने लिखा था, खुलते अक्षर खिलते अंक, मतलब इनका जो बुक है खुलते अक्षर खिलते अंक, ये इनके जीवनी के ऊपर इनके बारे में सब चीज बता देते हैं कि कैसे अक्षर खुलते हैं और अंक बता देते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन अडोर्ड हिम एंड ही वॉज यूनिवर्सली कॉल्ड एज गुरुजी, बच्चे इनसे बहुत प्यार करते थे और इन्हें पूरे देश दुनिया में सब जन, चाहे बड़े चाहे छोटे कोई भी हो, उनको किस नाम से बुलाते थे, इनको गुरुजी के नाम से बुलाते थे, ठीक है। उनको एक गुरुजी का उपाधि मिला था। सो विष्णु चिंचालकर इज ऑल्सो नोन एज गुरुजी यूनिवर्सली एंड ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल आर्टिस्ट। वो पेंटिंग्स करते थे, ऑयल पेंटिंग्स, कैनवासेस पेंटिंग करते थे, ये था उनका। लेकिन नेचर में कुछ भी मिल जाए, सिंपल डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ मिल जाए, उसमें से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना उनका एक कला था। बहुत कुछ ना कुछ बना के वो बहुत ज़्यादा फेमस थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट विष्णु चिंचालकर, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे। Don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.